यह नांदेड़ का मध्यवर्ती बस स्थानक है जो पिछले 4 दशकों से यहाँ पर प्रवासियों की सेवा करते आ रहा है। महाराष्ट्र परिवहन निगम की निगरानी में ये बस स्थानक चलता है जो नांदेड़ शहर का केंद्रीय बस स्थानक है। खबर ये चलने लगी है कि इस बस स्थानक को शहर के बाहर कहीं स्थलांतरित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ के व्यापारी संगठन के लोगों ने कल नांदेड़ जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक ज्ञापन दिया जिसमें ये लिखा गया है कि इस बस स्थानक को शहर के बाहर स्थलांतरित ना करें बल्कि इस बस स्थानक का विभाजन करें और 2 बस स्थानक यदि शहर के बाहर और शहर के बीचों बीच अगर कायम रखते हैं इस बस स्थानक को तो निश्चित रूप से यहाँ के छोटे मोटे व्यापारियों का काफ़ी फायदा होगा और जो उपजीविका इस कारोबार से चल रही है वो फिर से पुनर्जीवित होगी, ऐसी यहाँ के व्यापारियों की मांग है। इसी के चलते हुए उन्होंने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। पिछले 4 दशकों से ये बस स्थानक शहर के बीचों बीच है, यहाँ से रेल स्थानक, डॉक्टर लेन एवं जो जिला कार्यालय है सरकार के वो पास पड़ोस में ही पड़ते हैं, इसलिए लोगों का मानना है कि इस बस स्थानक के आसपास जो व्यापारी है, खुरदुरे व्यापारी है, छोटे मोटे कारोबार करने वाले व्यापारी हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है और इसलिए हजारों लोग इस रोज़गार से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की ये मांग है और उनका ये विरोध है कि इस बस स्थानक को स्थलांतरित ना किया जाए। अब सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना काफ़ी रंजक होगा, क्योंकि यदि ये बस स्थानक यहाँ से स्थलांतरित होता है तो उसका सीधा असर यहाँ के व्यापारियों के रोजी रोटी पर गिरने वाला है, ये तो स्पष्ट है। यहाँ के व्यापारियों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद अब वो जिलाधिकारी ने सकारात्मक उनकी ज्ञापन को लिया है और उन्होंने ऐसा अभिवजन भी दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि इसका विभाजन ना हो, लेकिन यदि ये बस स्थानक पूरी तरह से स्थलांतरित हो जाता है तो हजारों रोजगारों के ऊपर इसका सीधा प्रभाव होने वाला है, इसलिए यहाँ के व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। डीटी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। लोग यहाँ के बहुत परेशान हो जाएंगे, अब ये 40-45 हज़ार से लोग यहाँ पे कम से कम 1,000 आदमी पेट भर रही है एरिया में, बहुत सी दुकानें हैं, होटलें हैं, पान पट्टियाँ हैं, चिल्लर फ्रूट के व्यापारियाँ है, बस स्टैंड जाने के बाद यहाँ कौन आने वाला है, और इस सिटी के सेंटर में सब कुछ सहूलत है, इससे नया बस स्टैंड बन गया तो हरकत नहीं, पर ये बस स्टैंड यहीं रहने लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लोगों का अभी यहाँ से बस स्टैंड आकर चल जाएगा तो लोगों के ऊपर क्या बीतेगा? कौन आने वाला है, एकदम गली में होगा बस स्टैंड, ये कोई आएगा भी नहीं यहाँ पे बाद में, लोग रोजी से मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे लोग, पहले बहुत परेशान है लॉकडाउन की तरफ से और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे लोग। तो आपकी क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि नया बस स्टैंड बनता तो बनने दो, पर इसको यहाँ से हटाने मत दो, ये यहीं रहने दो। यहाँ पे कम से कम 1,000 लोग जाएंगे, 1,000 लोग से ज़्यादा जाएंगे, जैसा छोटा छोटा है, किसका चाय का दुकान है, किसका पान का टपरी है, किसका कन्फेक्शनरी है, किसका होटल है, किसका लॉज है, फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वहाँ पे किराना दुकान वाले हैं, चप्पल वाले हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े तक, हर एक तबके को उससे फर्क गिरेगा। बस स्टैंड ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे कौन आएगा, सब भूखे मरेंगे। पहले तो कोरोना की वजह से सबकी प्रॉब्लम है कि कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, और अब चल रहा है तो इसमें बस स्टैंड उधर ले जाने का चल रहा है। हमारा बोलना है कि ये बस स्टैंड यहीं रहने दो, नवा बस स्टैंड उधर बनाओ, हर सिटी में 2-2 बस स्टैंड, 3-3 बस स्टैंड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी ये रहना चाहिए। जैसा यहाँ पे 2 खासदार है, सॉरी आमदार है, तो वैसे 2 है तो 2 स्टैंड भी होने चाहिए, एसटी स्टैंड। ओके।